नमस्कार। पैरा एग्रो बायोटेक की टीम सोटवाड़ा गांव में पहुंची है, जिला झुंझुनू में, हमारे नोडल किसान जगदीश जी के खेत में। उनके भाई साहब है बिरबल जी, जो कि खेत में है। इन्होंने अपने खेत में चना की फसल लगा रखी है। क्या खाद वगैरह का प्रयोग किया आपने इस चना की फसल में? आपने जो डीएपी जो बताई, टेरा टेरा कंपनी का टेराफोस, टेरा संपूर्ण और पोटास, तो क्या रिजल्ट मिला है उससे? इससे सही है। सही मतलब क्या है कि दूसरा जो आपका खेत है जहाँ पे आपने नहीं प्रयोग किया, उसमें क्या फर्क है? में तो बहुत फर्क है। क्या फर्क है उसमें? वो तो एकदम पीला हो रहा है, निकल लग रहा है, पीला हो रहा है, निकल रहा है, मतलब कि जड़ गलन की समस्या है। तो उसकी बढ़वार और इसकी बढ़वार और फुटान में क्या फर्क है? इनमें बहुत फर्क है। इसकी फुटान वगैरह और ठीक है आपकी, इसकी बढ़वार ठीक है, इसमें जड़ गलन की हो रही है, समस्या नहीं आ रही है आप जो देख रहे हो? मतलब कि ये ठीक है, इसका टेरा उत्पादों का रिजल्ट इसमें ठीक मिल रहा है आपको? धन्यवाद। नमस्कार। टेरा एग्रो बायोटेक की टीम सोटवाड़ा गांव में पहुंची है, जिला झुंझुनू में, जगदीश जी के खेत में। जगदीश जी ने अपने इस खेत में चने की फसल लगा रखी है, और इस चने की फसल में आपने किन उत्पादों का प्रयोग किया जगदीश जी, थोड़ा जोर से बोल के बताएं। एक तो टेनफोस, टेराफोस, टेरापोटास और संपूर्णा, संपूर्णा इसका प्रयोग किया है। और रासायनिक खादों के रूप में इसमें क्या दिया है आपने? कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया आपने? यूरिया डीएपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक दाना भी नहीं किया। तो क्या रिजल्ट रहा? आप हमेशा डाला करते हैं आप? रिजल्ट 1995 में कनेक्शन हुआ था। अच्छा, आज तक इस साल सबसे अच्छा, सबसे अच्छे चने हैं। हाँ, तो इसमें क्या बढ़िया लग रहा है आपको इन चनों के अंदर? देख के बात करें तो अपने इसकी बढ़वार, इसमें फ्लावरिंग वगैरह और फूल हो रही है, जो फलियां बनी है, गेगरी जो दाने बने हुए हैं, ये ज्यादा हर गेगरी में लोगों तो निकाय बनी। अच्छा, तो ये बढ़िया रिजल्ट लग रहा है आपको, और बिना रासायनिक खादों के, बिना यूरिया के। आपका क्या नाम है जी? विद्याधर जी, आप बताएं इसमें क्या रिजल्ट लग रहा है बिना यूरिया डीएपी के? जो ये खेत है, यानी कि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया हुआ, तो टेरा उत्पादों का प्रयोग से क्या रिजल्ट है इसमें? बहुत बढ़िया, मैंने देखता कई साल हो गई। अच्छा, जमीन में इतनी दूर के अंदर ये किया ना जगदीश ने, ये बहुत बढ़िया है, यानी कि इतने सालों से आज तक सबसे बढ़िया हुआ है। आपका क्या नाम है जी? मुखराम जी, आप बताएं कि इस चने में क्या रिजल्ट लग रहा है आपको? एक नंबर का लग रहा है, मान दो कटे चना देखे गुना खेत में। तो इसमें जैसे जड़ गलन की समस्या आती है, क्यों बात क्यों बने हुए भाई? चने में जड़ गलन की समस्या आती है, उसमें क्या रिजल्ट है आप? बिल्कुल भी जड़ गलन की समस्या भी नहीं है, इसका भी बढ़िया है। तो आप सभी लोग संतुष्ट है इस चीज से? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। टेरा एग्रो बायोटेक की टीम गांव सोटवारा में पहुंची है, जिला झुंझुनू में, जगदीश जी के खेत में। जगदीश जी ने अपने इस खेत में इधर चने की फसल लगा रखी थी, और इस चना की फसल में इन्होंने टेरा उत्पादों का प्रयोग किया था। कौन कौन से उत्पादों का प्रयोग किया आपने जगदीश जी? तीन चीज है साहब, तीन इकट्ठा कर, टेराफोस, टेरा संपूर्णा, हाँ जी, और टेरापोटास जी, टेरा। तो जगदीश जी, क्या रिजल्ट रहा फिर उससे? आपके क्या फ़ायदा मिला फसल की बढ़वार में, उसकी बीमारी में, उसके फूल आने में, फल बढ़ने में, जो बने उसमें? जो सर, 3 बीघा में वो चना बया था। अच्छा, और 3 बीघा में ही अलग बया था दूसरा, हाँ दूसरे। तो उसमें क्या दिया था? वो 3 बीघा में तो डाली थी, और 3 में ऐसे बया था, 3 में बिना कुछ डाले हुए आपने लगाया था जी। वो 3 बीघा में उसमें डाले, उसमें तो 2 क्विंटल बीघे का चना हुआ। अच्छा, जहाँ पे टेरा उत्पादों का प्रयोग किया, हाँ जी, उसमें यूरिया डीएपी नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं साहब, दानों और वो आपके बीघा के हिसाब से 2 क्विंटल बीघा के बीघा के। और उसमें जड़ गलन, काली जड़ की समस्या? बिल्कुल नहीं साहब, मैंने खेत में चना बाना छोड़ दिया। भाई, किस वजह से नीर लगा चना, खेत खाली हो जाता, वो ठाड़ा पड़ जाता। अच्छा, तो मतलब कि जड़ गलन की जो खेड़े की समस्या थी, वो ज्यादा आती थी? ज्यादा आती थी, फिर वो सिर्स वगैरह रो रहे हैं, भाव लगा। अच्छा, फिर अब की बार
जगदीश जी बोले थोड़ा बहुत और है। और तेरा संपूर्ण का प्रयोग करो तो ये जड़ कलर काली जो खेड़े की समस्या नहीं है, नहीं होगी तो फिर साहब वो चलो 3 बीघा में बात हो जी। बढ़िया में बढ़िया हुआ, एक चढ़ो भी तो देख लो नहीं। अच्छा अच्छा, और बढ़िया 1 बीघा का 2 क्विंटल मतलब बढ़वार फुटान और पैदावार भी। उन 3 बीघा में फिर कैसी पैदावार रही? उस 3 बीघा में क्या बताऊँ आपको, 40 किलो बीघे का हुआ, मतलब 1.25 क्विंटल ही हुआ। 1.25 क्विंटल भी हुआ 3 बीघा में। 3 बीघा में तो कितना फर्क रहा वास्तव में कि आपने टेरा उत्पादों का प्रयोग किया हो रहा है? हाँ हाँ, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा और बढ़िया तो संतुष्ट है आप पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अब आगे कौन सी फसल लगाएंगे आप? अब आगे तो बाजरा है, ग्वार है, मोठ है, उसमें प्रयोग करेंगे? बिल्कुल करूँगा साहब। चलिए बहुत बहुत रिजल्ट अच्छा रहा है मेरे पास, क्यों नहीं करेंगे आप? रिजल्ट अच्छा मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जगदीश जी। हाँ।